Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. कल हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है यानी 14th में. आज छुट्टी थी तो कल एक हॉलीडे के बाद कल निफ्टी इंडेक्स में क्या हो सकता है, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन सबसे पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं निफ्टी के, फिर आर्ली चार्ट पर चल के हम कहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. ये अभी निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट है. अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था कि ये जो 900 का अपसाइड मूव आया है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो एग्जैक्ट 61.8% के लेवल के यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ था. तो बाउंस बैक होने के बाद ये कहाँ तक ऊपर की तरफ आ सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज़ किया था. उसके अकॉर्डिंग 61.8% का ये जो लेवल है एग्जैक्ट इसी के इस लेवल के पास से ये इसने रिवर्सल ट्रेंड दिखाया, एक करेक्शन आ रहा है. तो अभी ये कहाँ तक आ सकते हैं, क्या यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है फिर से, या फिर और टूवर्ड्स साउथ की तरफ ही हमें लेवल्स दिखा सकता है. तो ये जानने के लिए अगर हम ये जो बाउंस बैक आया है इसका अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल निकालें इस तरह से तो हम देख सकते हैं 61.8% के लेवल के पास ही ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आ रहा है. तो 14,625 एक मेजर सपोर्ट होगा. अगर ये ब्रेक होता है कल के तारीख में तो हमें इन निफ्टी इंडेक्स यहाँ तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं 100 EMA तक. होपफुली यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेंड होता है, जो अपसाइड ट्रेंड होता है वो हमेशा एक वेव की तरह चलता है. ठीक है, हमेशा ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाएगा, एक वेव के एंगल में ये ऊपर जाएगा. तो अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर चल सकते हैं. ये अगर ब्रेक होता है तो ये निफ्टी और तेज़ी से नीचे आ सकता है. RSI को देखें तो एक पॉजिटिव नोट ये है कि ये कंटिन्यूस हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है. ये देखिए, ठीक है, अभी तक इसने इस तरह से लोअर हाइज नहीं क्रिएट किए, ये हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है इस तरह से. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव नोट है नीचे RSI वर्सेस प्राइस एक्शन को अगर देखें तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमने देखे. निफ्टी इंडेक्स अभी सपोर्ट पे है, जो हमने वेनसडे को एक फॉल देखा है. हो सकता है निफ्टी इंडेक्स यहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक करे, लेकिन अगर ओवरनाइट पोजिशन बनाना है अपसाइड के लिए तो प्रीवियस स्विंग हाई जो है ये इसे कम्प्लीटली ब्रेक करना होगा, तभी ओवरनाइट पोजीशन हम यहाँ से कैरी कर सकते हैं. तो फिलहाल ये डेली चार्ट का सिनारियो है. चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में. अभी 60 मिनट में के चार्ट में अगर RSI को देखें तो या इस लेवल के पास 30 के लेवल के पास आने के बाद ये ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन में बाउंस बैक दिखाता है. ये देखिए, यहाँ से बाउंस बैक हुआ, यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, अभी फिर से ये 30 के लेवल के पास आ गए. हो सकता है बाउंस बैक हो, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता. तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 14,720, जस्ट 100 EMA के ऊपर. ये जो यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है तभी रेजिस्टेंस फेस किया है और अभी नीचे आते वक्त इस लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है. तो अभी ये हो सकता है फिर से एक बार रेजिस्टेंस का काम करे. तो 14,720 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं. और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,745, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा. और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,765, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा. और टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो ब्रेक डाउन लेवल होगा 14,647, ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा. और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है अराउंड 14,629, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा. और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,601, ये हमारा होगा सेकंड टारगेट. तो ये निफ्टी के लिए टारगेट है कल के लिए लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी. चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में. बैंक निफ्टी के चार्ट में ब्रेकआउट लेवल होगा हमारा 32,515, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा. आप देख सकते हैं इस लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया पास्ट में और ऊपर जाते वक्त एक स्विंग लो बना के ये बाउंस बैक हुआ है. तो यहाँ पर 32,515 होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल, और इसके ऊपर सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट होगा 32,578, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा. और सेकेंड टारगेट होगा 32,664, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा.
और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आए तो कम्प्लीटली इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए 32,207, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 32,90, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 31,968, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए, यानी 14th में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।